शराब के ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर रिहायशी क्षेत्रों में या नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें थी उन पर खोल दिए गए। चौथी बात, हमने उनको कहा कि साहब अगर कोई शिकायत करता है कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच सरकार की लैब में होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि सरकार की लैब में नहीं होगी, जो शराब के ठेकेदार हैं उनके लैब में ही टेस्टिंग होगी। तो इस पर भी हमने अपना एतराज दर्ज कराया था। एक कितनी मजेदार बात उन्होंने हाउस के अंदर कही कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखलाएंगे और उसके लिए 5 शराब के ठेके खोलेंगे। हमने कहा भाई आपने तो दिल्ली में पिछले 7-7.5 सालों में एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, लेकिन शराब पीने के तरीके आप सिखलाएंगे, उसके लिए 5 स्कूल आप खोलेंगे। तो ये बात भी उन्होंने कही। ये लोग कहते हैं कि इस 849 शराब के ठेके केवल हमने खोलने की योजना बनाई है, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने 1000 लाइसेंस बैंक्वेट हॉल के मालिकों को, होटल रेस्टोरेंट्स में जो बार्स हैं उनको भी इन्होंने दिए। इन्होंने दिल्ली में यदि नीचे शराब का ठेका है तो फर्स्ट फ्लोर पे डांस बार की भी अनुमति दे दी। और तीसरी एक और मजेदार बात देखिए कि इन्होंने कहा कि जहां शराब का ठेका है वहीं उसके बगल में ही शराब पीने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दिल्ली पुलिस से कोई NOC इस संबंध में इन्होंने नहीं ली। अब इनका यह भी कहना था कि दिल्ली में जो नई शराब नीति है ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, इससे हमारी आय जो है वो 6,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। लेकिन आज मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि बिक्री डबल हो गई लेकिन आय जो है वो आधी भी नहीं रही। अरविंद केजरीवाल आपको ये तो बताना होगा, जिस शराब नीति को आप कहते थे वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है आखिर उसको वापिस क्यों लिया, और जो स्टिंग अभी जो आया है और जो बात हम हाउस के अंदर कहते थे कि कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिन शराब के ठेकेदारों को उन्होंने शराब के ठेके दिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है हां कि कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भाजपा के विधायकों को इसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे। अब शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि हां 2% से बढ़ाकर 12% हुआ और उसमें से 6% शराब के ठेकेदारों के जेब में गया और 6% जो है वो सरकार केजरीवाल या सिसोदिया की जेब में गया। यही मैं कहना चाहता था। अरविंद केजरीवाल कभी विधानसभा में चर्चा कराते नहीं है, चर्चा से भाग खड़े होते हैं। कभी चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सवाल हमने विधानसभा के अंदर रखे हैं या विधानसभा के बाहर रखे हैं उन पर कभी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं आज जरूर चाहूंगा कि वो हमारे सवालों का जवाब अब तो कम से कम देने का कष्ट करें। मैं यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चिट्ठी हमारे सारे विधायकगण CBI को भेज रहे हैं, मैं चाहूंगा सारे विधायकगण उन्हें चिट्ठी वो जो उनके हाथ में है वो एक बार आपको दिखा देंगे ताकि लोगों के ध्यान में खड़े होकर दिखा देंगे।